नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। देखिए, ये तो आप लोग तैयार करिए किसी को, हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। पिछली बार 8 सीट थे, आप विधानसभा में आज इस बार क्या होंगे? 8 ही आएगी। कोई नए चेहरे होंगे या फिर वही चेहरों का आप लोग फिर एक बार? अब इसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास होता है कि हर बार 20-25% चेहरे नए दें। अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगता है कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार कौन आरोप लगाता है यार? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पर आएगा। देखिए, इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है, और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है। आप जनता गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर वन नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IMF, उन्होंने भी अपने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अभी विश्व मंदी के दौरान भी भारत उससे बहुत कम प्रभावित होगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सारे विश्व में आर्थिक व्यवस्था की मंदी के बावजूद भारत मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। 24 को मोदी जी रीवा जी, 24 को मोदी जी आ रहे हैं, रीवा आ रहे हैं। हाँ, 24 को उनका कार्यक्रम है। ठीक है भाई, थैंक यू। बिंद कितना महत्वपूर्ण है, लगातार दौरे हो रहे हैं जी, बिंद कितना महत्वपूर्ण है 2023 चुनाव? देखिए, हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है, और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिंद ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है, और अभी भी बिंद के अंदर जो माहौल है वह भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे बिंद से जीतेगी। कितने नेता नाराज चल रहे हैं बनाने के लिए? हमें तो पता नहीं, आपके पास कोई खबर तो बताना, हमारे लिए तो कोई भी नाराज नहीं है। मैयर विधायक ने अलग पार्टी का गठन कर दिया, नारायण मिश्रा। मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मेरी उनसे बात नहीं। क्या लगता है शुरू से किसी के नहीं हो पा रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, भाजपा से भी नाराज चल रहे हैं? देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल सतना में था और उन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, पर बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पा रहा, इसलिए अभी मेरी कोई चर्चा नहीं है उनसे, हम चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप एक बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, ये आप अभी चर्चाओं में इसलिए कुछ महिलाएँ आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनको आपने आपत्ति जनक? देखिए, ये इंदौर से संबंधित विषय था, इसलिए रीवा में इसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है आपसे? गिरफ्तारी माफ़ी मांगे महिलाओं? उनका काम यही है, जनता ने उनको इसी लायक छोड़ा है।
आप माफी नहीं मांगेंगे? ऐसा कुछ करा नहीं मैं आपसे, बोलूँ आप माफी मांगो तो क्यों मांगेंगे आप? उद्देश्य क्या था आपका यह ऐसा बोलने के लिए, कुछ सुधार करने का था? वो इंदौर का विषय था, मैं रीवा में उसका जवाब नहीं दूंगा। रीवा आए हैं, क्या ताकत देखे जाएंगे यहाँ के पार्टी और साथ कर आप बैठक क्यों नहीं है? देखिए अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो रीवा में हम बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, पूर्व विधायक है, उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। आने वाला चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो ये उनसे ही पूछेंगे और सबको चुनाव में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगातार दो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव ही है, उसके बाद 24वां लोकसभा का चुनाव है। हमें विधानसभा में तो सरकार बनानी है, पर केंद्र में भी एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका हम प्रयास करें। वीर सावरकर सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी जी के खिलाफ थाने में शिकायत की है, बार बार उनके द्वारा वीर सावरकर जी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि उन्होंने शायद FIR की है। राहुल गांधी शायद सावरकर जी के बारे में जानते नहीं है, जान के अनजान बन रहे हैं। सावरकर जी जैसा महान व्यक्तित्व को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।